सो okay. so, मेरा नाम अजिंक्य सोड़ुके है माय नेम इज अजिंक्य सोड़ुके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं ठीक है लेकिन लेटस फगेट अबाउट दैट जस्ट रिमेम्बर मेम दैट इज माई नेम इज अजिंक एंड लेटे स्टार्ट विद आवर टॉपिक तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो सो लेटस स्टार्ट विद आवर टॉपिक ठीक है चलिए चलिए, ओके। तो ये वाला जो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल uh, है मतलब से so, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एसिड बेस ये वाला आपको थोड़ा सा यू नो इजी जाएगा द रीजन बीइंग क्योंकि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट बेस्ड रिएक्शन है तो आपको काफी आसानी जाएगी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स मतलब लाइक like, लिटरली बहुत ही ज्यादा आसान सो लेटस स्टार्ट चलिए हम लोग एक रिएक्शन देख लेते हैं क्या करना है इसके अंदर और फिर हम लोग आगे की बात करते हैं अब जैसे कि मान लो आपके पास है आपने जिंक ले लिया आपने जिंक ले लिया और आपने सब से आ, एक एसिड एसिड डाला डाला उसके अंदर एंड दैट इज सो वी जस्ट हैव टू सी होता क्या है तो यहाँ पर ये जिंक जो है एच को सपोजलेट से वहां से हटा देता है एक बार हम मेरी रियक्टिविटी सीरीज देखते हैं प्यारा सुप्रीम कोर्ट ठीक है माजल और हमने क्या ध्यान में रखा हुआ है मैसेज एक बार देख लेते हैं जिंक किधर है हाइड्रोजन किधर है जिंक यहां पर है हाइड्रोजन यहां पर है ऑब्वियसली जिंक कैन रिप्लेस हाइड्रोजन क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो जिंक क्लोरिन के साथ कंबाइन हो रहा है अब जिंक अगर क्लोरिन के साथ अगर कंबाइन हुआ जिंक की बैलेंसी कितनी है दो क्लोरिन की कितनी है एक क्रिस्क्रॉस करके क्या बनाएंगे ZnCl2, ओके okay, तो मतलब जिंक क्लोरिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा जिंक क्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या बाहर निकलेगा एच बाहर निकलेगा ना तो एच और एच कंबाइन हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज और अगर वही सेम चीज अगर आपके इसके साथ हो रही है एच टू फोर के साथ यहाँ पर भी सेम है सेम नाटक है यहां पर हाइड्रोजन को हटा देगा वो जिंक ठीक है और क्या बनाएगा जिंक सल्फेट अब जिंक और सल्फेट में कैसा है ना दोनों की वैलेंसी ही दो दो है जिंक की दो है सल्फेट की दो है वो, वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो बनाते बाहर क्या निकलता है फिर हाइड्रोजन गैस ओके तो मतलब इनके हम लोग ये लिख लेते हैं सपोज uh, स्टेट्स uh, कौन से होंगे तो ये सॉलिड में रहता है ये एक्वियस में रहता है ये एक्वियस में रहता है ये गैस में रहता है सेम चीज यहां पर भी गैस एक्वियस एक्वियस एंड सॉलिड बैलेंसिंग पार्ट बैलेंसिंग देख लेते हैं uh, देखो ऊपर का तो ये इसको बैलेंस कर लेंगे हो गया बैलेंस ऊपर का ना ये सेकंड वाला बैलेंस करने की जरूरत नहीं आपको बिकॉज इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया दैट्स इट मतलब इन इन शॉर्ट शॉर्ट ये जिंक मतलब कौन है मेटल राइट लेट मी रिमूव दस इसको नीचे के वाले को मुझे निकालने दो ये रिएक्शन से हमको पता क्या चलता है तो आपको क्या ध्यान में रखना है जनरल फॉर्मेट जैसे तुमने जनरल फॉर्मेट ध्यान में रखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जैसे ऐसे तुमने याद रखा हुआ है ए प्लस बी कॉम्बिनेशन right? का ऐसा ध्यान में रखा हुआ है वैसे ही इसका भी एक जनरल फॉर्मेट होना चाहिए जिंक मतलब कौन है हु इज जिंक जिंक इज मेटल वॉट इज एच सी एल एड व्हाट इज जिंक क्लोराइड यह कंपाउंड है लेकिन कौन है वो सॉल्ट है मेटल सॉल्ट है ना ओके okay, तो सॉल्ट है और ये कौन है हाइड्रोजन गैस हो गया आपका जनरल फॉर्मेट भी तैयार हो गया मतलब इन शॉर्ट वेन मेटल्स एंड एसिड कंबाइन दे क्रिएट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इतना आसान है मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एंड ये किस प्रकार के रिएक्शन में आता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट के टाइप में आता है तो देखो ये रिएक्शन का टाइप ये एक्टिविटी देख लो सेम एक्टिविटी है जो मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन की लेकिन इस एक्टिविटी में देर आर सर्टन थिंग्स विच वी शुड अंडरस्टैंड एंड फिर उसके ऊपर सपोलेट से हम लोग डाउट वगैरह शुरू करेंगे तो देखो ये जो एक्टिविटी है ट्वेल्व टू पॉइंट थ्री इसके अंदर का पहले एक देख लो एसिड किस प्रकार का यूज कर रहे हो आप पे इस चीज कोसन एक, एक, एक है, है हमारे मैक्सिमम रिएक्शन डायलूट एसिड के साथ ही है मतलब बाय कौन सा लेना है डाइल्यूट ही लेना है देर देर आर ओनली वेरी फ्यू रिएक्शन जिसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना है वेरी वेरी फ्यू देर आर सर्टन रिएक्शन जो आगे जाके हम लोग देखेंगे उसमें अंदर के बहुत ही ऐसे कम है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की जरूरत पड़ रही है आपको मैक्सिम एसिड कौन से होंगे डायलूट तो एग्जाम में अगर पूछते हैं कि किस प्रकार का एसिड चाहिए डायलूट ध्यान में रखने का एंड किस प्रकार के हम लोग क्या ले रहे हैं दूसरा जिंक ग्रेन्यूल ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है छोटे छोटे पीसेस पीसेस ऑफ जिंक आर नथिंग बट कॉल्ड एज जिंक ग्रेन्यूल्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एसिड और जिंक ग्रेन्यूल डालने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल

यहां पर अंदर सपोलेट से तुमने जिंक डाला हुआ ये है ये तुम्हारा जिंक है ये तुम्हारा एसिड है मतलब अंदर एसिड प्लस जिंक है अब जो भी गैस बन रही है वो गैस को कैसे कर रहे हैं पास कर रहे हैं किसके थ्रू ट्यूब के थ्रू डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वो ऐसे लेके अंदर जा रहा है मेन क्वेश्चन ये 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 क्या है ये सोप सोल्यूशन है सोप सोल्यूशन में से कई को ट्रांसफर करने का उसको देर इज अ रीजन देखो हमको क्या करना है उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है सही है रिएक्शन में हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है बट कुछ मेथड होना चाहिए ना कुछ टेस्टिंग मेथड की भाई हाँ हाँ प्रूव कर सके अगर सपोज कोई पूछ रहा है हमको कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है लेकिन हम लोग कैसे माने कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा टेस्ट करना पड़ेगा ओके okay. तो प्रॉब्लम क्या है हाइड्रोजन को तो जब आप तुम जलाते हो अगर स्मॉल क्वांटिटी में है अगर तुम उसको जलाते हो हाइड्रोजन गैस को तो ऐसा आवाज करता है वो और वो आवाज को क्या बोलते हैं पॉप साउंड बोलते हैं उस आवाज को क्या बोला जाता है पॉप साउंड बोलते हैं उसको फटपट पटपट पटपट पट, ऐसा आवाज आता है हाइड्रोजन गैस को जब तुम जलाते हो तो, तो पट, पट 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 ऐसा आवाज आता है अब उसमें कैसा है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है वन तो बहुत ही लाइट गैस है लाइट गैस बोले तो हल्की है वजन से बहुत ही हल्की है तो उसका क्या प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम यह है कि जब अगर मान लो तुम्हारी डिलीवरी ट्यूब से हमने निकाल दिया मान लो तुम्हारी डिलीवरी ट्यूब तो इतनी ही है इतनी ही डिलीवरी ट्यूब है तुम्हारी बस अब इसके सामने अगर तुमने उसको जलाया तो क्या होगा प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी गैस हाइड्रोजन है वो जैसी बाहर निकलती है में सपोज सपोलेट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इमीडिएटली मतलब उसका डिफ्यूजन बहुत फास्ट है क्यों वजन कम है ना उसका उसका वजन कम है तो उसका डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा फास्ट है मतलब हम लोग यहाँ पर जला नहीं पाएंगे इफ संबड इज ट्राइंग टू सपोज सपोलेट से यहां से जलाने को तो वो जलेगी नहीं गैस क्यों क्योंकि इमिडिएटली एयर में ट्रांसफर हो रही है ना तो हमको कैसा करना पड़ेगा उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और वो कैसे कर सकते हैं आप क्या करो आपका डिलीवरी ट्यूब से आप उसको किस में डाल दो डिलीवरी ट्यूब को सोप सोल्यूशन में उससे क्या होगा ये जो आपके हाइड्रोजन जब आएगी नीचे तो गैस है गैस की वजह से सोप सोल्यूशन में क्या तैयार होंगे बबल्स बुड़बुड़े तैयार होंगे राइट और वो जो बुलब जो बुलबुले होंगे वो वो जो बबल्स हैं वो बबल्स किसके होंगे हाइड्रोजन गैस से भरे वाले होंगे आपने हाइड्रोजन छोड़ा ना तो ये जो बबल्स दिख रहे हैं क्या आपको या ऐसे बबल मिलेंगे आपको हाइड्रोजन के इनको आप जला सकते हो इनको आप जला सकते हो इसको नहीं जला सकते यहां से क्या हो जाएगा इमीडिएटली एयर में चला जाएगा बाहर से तो हम लोग उसको जला नहीं पाएंगे इसलिए हम लोग बबल्स बनाते हैं बबल्स को हम लोग जला पाएंगे तो उसको पॉप साउंड होता है सो वट इज द रीजन वाई वी यूज सोप सोल्यूशन एरो करके लिखो वहां पे पहले इसको अंडरलाइन करो पॉप साउंड का आवाज कैसे आता है कैंडल के प्रेजेंस में तो पॉप साउंड एंड सोप सोल्यूशन क्यों यूज करते हैं टू क्रिएट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू क्रिएट बबल्स ऑफ एग्जाम में पूछते हैं ये क्वेश्चन क्यों यूज करते हैं हम लोग येट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ओके वाई आर द बबल्स फॉर्मड इन द सोप सोल्यूशन ठीक है क्यों बबल्स फॉर्म होते हैं बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस उसमें जाती है ना तो इसकी वजह से होता है टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फील्ड बबल जो बबल के इसके पास में क्या लेकर जाओ कैंडल तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आवाज आता है कैसा आवाज पॉप साउंड पॉप साउंड नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी सम अदर एसिड्स लाइक एचसीएल HNO3 एंड CsHCOH ओके इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे स्किप दिस अंडर रैप्स फॉर नाउ स्टार रखकर के रखो उसमें कैसा है ना Uh, इसके लिए सम अदर और, और प्रॉपर्टीज की जरूरत है एचसीएल का मैंने तुमको बता दिया एचसीएल का कैसा रिएक्शन है एच एन ओ थ्री और सी एस थ्री सी ओ एच का हम लोग बाद में देखेंगे ऑब्जर्वेशन इन द ऑल द केसेस सेम और डिफरेंट तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आते हैं ठीक है ऑब्जर्वेशन आर डिफरेंट बट दिस विल सी लेटर ऑन फिलहाल के लिए काम करो uh, इसके रिएक्शन प्लीज लिख दो क्योंकि आप देख सकते हो आपके बुक में रिएक्शन नहीं है इसके इसके रिएक्शन नहीं दिए वाले आपको रिएक्शन लिखने पड़ेंगे अच्छा ठीक है काम करो एक तो ये डायग्राम के ऊपर तो दोनों लिख के देता हूं जिंक प्लस तुम्हारा एच स्टेट में ये एक्वियस स्टेट में और क्या मिल रहा है आपको जेड एन सी में और हाइड्रोजन गैस दूसरा रिएक्शन सेम विद एच टू एसओ फोर आपके बुक में प्लीज लिखें बुक में रिएक्शन नहीं है ZNSO4 H2. और ये क्या है एक्वियस ये भी एक्वियस अगर बैलेंसिंग कर लो हो गया सो so ये आपका uh, बैलेंसिंग वाला पार्ट है एंड द रिएक्शंस इसको प्लीज लिखें एंड सेट uh, और कुछ है नहीं इसके साथ uh, रिएक्शन एक बार लिख लिया आपने फिर एक बार बता देना आपके बुक में नहीं है तो बुक में लिखो मोस्टली मतलब आपका वो ये नहीं होगा मतलब यू डोट हैव टू सी योर नोट बुक अगेन एंड अगेन जस्ट टू चेक यूर आंसर हो गया प्लीज लेट मी नो वंस डन चैट बॉक्स में चैट बॉक्स या फिर रेज हैंड कुछ भी कर लो ओके ठीक है ओके तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि रिएक्शन किसके साथ देख रहे हैं हम लोग मेटल्स uh, का विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लेकिन उसके पहले एक्टिविटी नंबर टू पॉइंट फोर उसको कंप्लीट करते हैं तो हमने पहले कौन सा रिएक्शन देखा मेटल प्लस एसिड हमने रिएक्शन देखा मेटल प्लस एसिड अभी कौन सा रिएक्शन देखेंगे मेटल प्लस बेस देखेंगे मेटल प्लस बेस ओके तो यहां पर मेटल देख लो आपका मेटल किसको लेंगे फिर से जिंक को लेते हैं राइट right? और तुम्हारे एनओएच को लेते हैं एनओ क्या है बेस राइट एनओएच इज बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी देखते हैं क्या होता है अब यहां पर क्या प्रॉब्लम पता है क्या यहां पर हाइड्रोजन गैस तो निकलने वाला है आपको इतना तो पता है कि जिंक हाइड्रोजन को पक्का रिप्लेस करने वाला है दैट वी ऑलरेडी नो अब हाइड्रोजन निकल जाता है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है बिना किसी टेंशन के अब एनए जो है ना वो किस में डिवाइड हो जाता है सोडियम एंड ऑक्सीजन में ठीक है अब यहां पर क्या हो जाता है ना यहां पर देर इज प्रॉब्लम जिंक सोडियम ऑक्सीजन है अब ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होता है जिंक के साथ द रीजन बीइंग क्योंकि वो ग्रुप OH के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड था राइट हाइड्रोजन निकल गया किसके साथ जोड़ी थी ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन निकल गया और हाइड्रोजन की जगह पे कौन आया जिंक जिंक आया ओके okay, मतलब ऑक्सीजन प्लस होगा राइट ऑक्सीजन प्लस जिंक होगा ओके okay, तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं जिंकेट ग्रुप बनाते हैं जिंकेट ग्रुप अब जिंकेट ग्रुप क्या रहता है देखो जिंकेट ग्रुप का ध्यान में रखो जिंकेट ग्रुप कौन है जिंकेट इज झेड एन ओ टू जिंकेट का नाम क्या है ZnO2 एन जिंकेट ग्रुप ZnO2 और इसका वैलेंसी क्या है वैलेंसी दो है इसका इसका वैलेंसी कितना है दो है ये चीज ध्यान में रखें टू माइनस जिंकेट का सपोज़ सपोलेट से वैलेंसी है अब सोडियम किसके साथ कंबाइन होगा इसी जिंकेट ग्रुप के साथ सोडियम क्या होगा इसी जिंकेट ग्रुप के साथ कंबाइन होगा अब तुम मुझे बताओ सोडियम और जिंकेट अगर है सोडियम की वैलेंसी वन है जिंकेट का हमने अभी ध्यान में रखा कि टू है ओके okay, तो वैलेंसी क्या होगा फिर अपना फॉर्मूला क्या बनेगा एन ए टू जेड एन ओ टू ओके तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो कौन है एन ए टू जेड एन ओ टू ये कौन है दिस इज सोडियम जिंकेट सोडियम जिंकेट एक प्रकार का सॉल्ट ही है तुम्हारा लेकिन सोडियम जिंकेट उसका नाम है चलिए जिंकेट को एक बार समझ के लेते हैं बिकॉज दिस इज समथिंग की जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है एक बार ठीक से समझ के ले लो आपने कैसे याद रखे हुए ना नाइट्राइड्स फॉस्फेट्स सपोलेट से कार्बोनेट वैसे ही आपको और एक ग्रुप ध्यान में रखना है जिसका नाम है जिंकेट और उसका फॉर्मूला क्या है जेड एन ओ टू जेड एन ओ टू और ये क्या बोलते हैं वैलेंसी कितनी है टू माइनस टू माइनस ओके ठीक है और सोडियम जिंकेट अगर बनाना है तो सोडियम का वैलेंसी वन जिंकेट एज टू ओके फॉर्मूला क्या बनेगा फिर एनए टू जेड एन टू तो रिएक्शन देख लो रिएक्शन देख लो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड कम्बाइन विदिंक टू क्रिएट एन ए टू जेड एन टू विच इज सोडियम जिंकेट प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस ओके तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बेस प्लस मेटल सॉल्ट एंड सपोज हाइड्रोजन गैस मतलब फिर से हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है फिर से हाइड्रोजन गैस ही क्या होता है रिलीज होता है राइट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज अगेन जैसे एसिड में हुआ था वैसे इधर भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रहा है लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है लेकिन बेस में सिर्फ यही एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर आपका क्या हो रहा है हाइड्रोजन गैस तैयार हो रहा है मतलब नॉट ऑल बेसिस कैन रियक्ट विद मेटल एंड क्रिएट हाइड्रोजन गैस इन शॉर्ट नॉट ऑल बेसिस कैन कंबाइन विथ मेटल एंड क्रिएट हाइड्रोजन गैस ऐसा होता नहीं okay, तो देख लो, ये वही है इज इट पॉसिबल की मेटल्स हर एक मेटल हर एक बेस के साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा तो यू हाउ टू रिमेम्बर दैट इज नॉट करेक्ट ऐसा होता नहीं है सो लेटमी This, है और वो ये है कि आपको कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का फर्क समझ में आता है क्या दैट इज रियली इंपॉर्टेंट तो चलो पहले पहले मैं वो तुमको समझा देता हूं. सबसे पहले हम लोग लेंगे किसको कार्बोनेट को और दूसरा किसको लेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है देख लो यहां पर है कार्बोनेट इज सीओ थ्री कार्बोनेट इज सीओ थ्री सीओ थ्री और वैलेंसी कितना रहता है इसका टू मतलब इट्स टू माइनस माइनस रहता है मतलब दो की वैलेंस है उसकी कार्बोनेट की वैलेंस टू वायबोनेट okay. ओके uh, okay. दूसरा दूसरे का नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट दूसरे का नाम क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको और एक नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं ये थोड़ा ध्यान में रखो एक कार्बोनेट है एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है हाइड्रोजन कार्बोनेट का और दूसरा नाम क्या है बाई कार्बोनेट है और इसका फॉर्मूला क्या रहता है एच एस थ्री एच सीओ थ्री अब तुम सोचो सीओ थ्री है तो टू है उसका एक वैलेंसी अगर चला गया एक हाइड्रोजन ऐड हो गया ना सीओ थ्री टू माइनस और एच सी थ्री में क्या फर्क है ओनली एक हाइड्रोजन uh, ऐड हुआ है सो दैट मीन वहां की एक वैलेंसी ही सैटिस्फाई हो गई है इसकी वैलेंसी कितनी होगी फिर वन इसकी वैलेंसी कितनी होगी वन होगी क्योंकि वो सैटिस्फाई हो गया ऑलरेडी

मैं आगे बढ़ रिएक्शंस में एंड थोड़ा रिस्पांस थोड़ा फास्ट रखते जाओ लिखने के बाद जस्ट जल्दी से रेज हैंड या फिर वट आप जल्दी से बता दीजिए मतलब यू नो इट विल बी इजी फॉर मी टू आगे बढ़ने के लिए चलिए अभी हम लोग बात करते हैं मेटल कार्बोनेट की मेटल कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट की बात हो रही है यहाँ पे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की अब मेटल कार्बोनेट कैसे बनाने का देखो तुमको अगर वैलेंसी आता है और नाइन के मॉलिकुलर फॉर्मूले कैसे बनाने की वो अगर आता है इट्स वेरी सिंपल हमको क्या बनाना है पहला एग्जाम्पल देखते हैं मेटल कार्बोनेट का मेटल कार्बोनेट अब मेटल मतलब कौन कोई भी मेटल ले लो जिंक ले लो सोडियम ले लो पोटेशियम ले लो वट यू वांट टू ओके ठीक है मान लो मुझे बनाना है सोडियम सोडियम का कार्बोनेट बनाना है तो मैं उसको नाम क्या बोलूंगा सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट देखो मेटल के नाम पे मैंने क्या लिखा है सोडियम कार्बोनेट अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा सोडियम एन कार्बोनेट कौन है कार्बोनेट सीओ थ्री टू माइनस ओके मतलब उसकी टू की वैलेंसी है सोडियम की वैलेंसी कितनी है वन फॉर्मूला क्या बनेगा एन टू सीओ थ्री राइट एन टू सीओ थ्री एंड वट अबाउट हाइड्रोजन कार्बोनेट देखो अगर ये तो मेटल कार्बोनेट हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं सेम जैसे तुमने इसका बनाया ना वैसे ही बनाने का सोडियम लिया हाइड्रोजन कार्बोनेट को लो कितना है उसका एच एस वैलेंसी कितनी वन सोडियम की वन क्रिस क्रॉस करके क्या मिलेगा एन ये फर्क समझ के ले लो दोनों के अंदर कैसे बनाना है आपको अगर वैलेंसी पता है तो कोई मेटल कार्बोनेट बनाना इज नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील राइट एक काम करो कैन यू प्लीज लेट मी नो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला एंड जिंक बाय कार्बोनेट का फॉर्मूला मतलब आई विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ भाई तुमको आ जाता है लगे तो मैं तुमको करके देता हूँ बट फॉर्मूला बता दो खाली पहले जिंक कार्बोनेट का एंड देन जिंक बाय कार्बोनेट का जिंक की वैलेंसी टू है सीओ थ्री की टू है एच सी ओ थ्री की वन है ओके okay, तो ये तो जेड एन कैंसिल हो जाएगा तो दैट वुड बी जेड एन सी ओ थ्री तो जिनका कार्बोनेट का फॉर्मूला है ठीक है ओके okay, मतलब तुमको उतना आ रहा है दैट मीन्स यू कैन क्रिएट यूर ओन फॉर्मूलाज रिगार्डिंग मेटल कार्बोनेट चलिए बस more than sufficient more than sufficient अब ये एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ 2.5 पे 2.5 पे आ जाओ एक्टिविटी नंबर 2.5 इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हारा कार्बोनेट प्लस एसिड डाल रहे हैं. तो चलो ये रिएक्शन में तुमको समझा के देता हूँ कि इधर हो क्या रहा है देखो मान लो तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट है और तुम्हारा HCl है राइट right? अब इसमें हो क्या रहा है सबसे पहला तुमने इसको कहां पे डाला है तुम यहां पर एक देख लो एक्वियस फॉर्म में ये एक्वियस फॉर्म में HCl एक्वियस फॉर्म में मतलब उसके अंदर पानी भी है मतलब एच के अंदर ऑलरेडी पानी है पानी के अंदर तुमने एनए को डाला तो एन ए टू सी थ्री एंड एच सी एल ये डिवाइड होंगे राइट ओके सबसे पहला ग्रुप तो वही बनेगा इसमें से क्या क्या निकलेगा सोडियम निकलेगा और दूसरा इसमें से क्या निकलेगा सीओ थ्री निकलेगा इसमें का डिवाइड अगर हुआ तो किसमें डिवाइड होगा एच में और सीएल में अब यहां पे कौन कंबाइन होते देख लो एक बार यहां पर सबसे पहला जो कंबाइन होता है वो एन ए सी एल की जोड़ी बन जाती है NaCl की जोड़ी बन जाती है और क्या बनाते NACL बनाते हैं हैं साथ में सबसे पहला दूसरा ये जो सीओ थ्री है ना ये दो चीजों में डिवाइड होता है सीओ थ्री आपका दो चीजों में डिवाइड होता है लेट मी शो यू हाउ आपका सीओ थ्री डिवाइड हो जाता है बिटवीन टू थिंग्स इट गेट्स डिवाइडेड इन टू सीओ टू एंड ऑक्सीजन अब यहाँ पर क्या नाटक है आपका सी टू रिलीज हो जाता है सी टू निकल जाता है क्योंकि सी ओ टू द स्टेबल गैस सी टू बाहर निकल जाता है सी टू भी गया अब ये ऑक्सीजन बचा है और दूसरा कौन बचा है हाइड्रोजन बचा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना के मिला के क्या बनाते हैं? एच टू पानी बनाते हैं। हो गया मतलब द मैकेनिज्म इज क्वाइट सिंपल पहले NaCl के साथ कंबाइन होता है NaCl बनाता है सीओ का ऑक्सीजन निकल जाता है हाइड्रोजन के साथ जमा होता है वाटर बनाता है और सीओ सेपरेट हो जाता है चलिए रिएक्शन so uh, को किसके साथ combine होता है Cl के साथ आपका सीओ थ्री किसमें डिवाइड होता है सीओ टू एंड ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बनाते हैं पानी बनाते हैं और आपका सीओ टू सेपरेटली रिलीज होता है हो गया दैट्स इट नाउ सेम थिंग हैपेंस विद सेकंड पार्ट आल्सो सेकंड पार्ट का देख लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके अंदर डिवीजन कैसी होती है एक बार देख लो सेम 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 टाइप एनएच सी ओ इसमें भी डिविजन कैसे होगा एनएच सीओ थ्री प्लस एच अब डिविजन देख लो एक बार का ये डिवाइड होता है एनए फिर बाद में कौन सा H करेक्ट एच सी ओ थ्री ये एच सी ओ थ्री किसमें डिवाइड होगा हाइड्रोजन और लेट्स से सी ओ थ्री में एंड दैट सी ओ थ्री डिवाइड इन टू सी ओ टू एंड ऑक्सीजन करेक्ट और ये एच सी एल किस में डिवाइड होगा तुम्हारा दैट विल बी डिवाइडेड इन टू एच एंड सी एल देख लो सेम सेम प्रकार बनता है आपका सोडियम सो और क्लोराइड कंबाइन होगा एनएससीएल हो जाएगा ये तो कट गए ये तो कट गए अब बच्चा कौन है हाइड्रोजन इसमें का आपका जो सीओ टू है वो सेपरेटली निकल जाता है सीओ टू भी गया ओके okay, अब बचा कौन है तुम्हारा हाइड्रोजन बचा है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बचा है ये तीनों कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं पानी मतलब इन शॉर्ट इन शॉर्ट उनके प्रोडक्ट दोनों के सेम है दोनों के प्रोडक्ट कैसे हैं सेम ही है तुम देख सकते हो यहां पर एनए सीएल एनए सीएल एच टू ओ एच टू सीओ टू सीओ टू मतलब तुम कार्बोनेट लो कि बाय कार्बोनेट लो कार्बोनेट लो कि बाय कार्बोनेट लो प्रोडक्ट तो सेम ही है ओके okay, और वो कौन है सॉल्ट पानी कार्बन डाइऑक्साइड बस इतना ही यस yes. बाकी तुम्हारा बैलेंसिंग चेंज हो जाएगा बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नो चेंज ओके सो लेट मी आस्क यू समथिंग अबाउट दिस चलिए हाँ लेट मी स्टार्ट दिस आपका जो पहला रिएक्शन था जो आपने एसिड और इसके साथ किया था मेटल के साथ, तो कैंडल उसके प्रेजेंस में लाई थी और पॉप साउंड होने के बाद तुमने बोला था कि हाँ उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है मतलब वॉट एवर द गैस तुमने टेस्टिंग मैकेजम क्या यूज किया बर्निंग कैंडल राइट तुमने टेस्टिंग की उसकी इन द सेम वे आपके यहां पर जो रिएक्शन है ना ये वाली रिएक्शन ये और ये उसके अंदर आपका सीओ टू बन रहा है उसके लिए एक टेस्टिंग मेथड है उसके लिए टेस्टिंग मेथड है कि सीओ टू निकला है हम लोग कई कई के ऊपर से बोलना ओके तो सीओ टू का प्रूफ के लिए टेस्टिंग के लिए एक मेथड है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग वॉट वी डू एस सीओ टू को हम लोग पास करते हैं लाइम वाटर में से लाइम वाटर लाइम वाटर मतलब क्या लाइम वाटर का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है

ऑब्जर्व दिस ये वाला प्लस अब यहां पर कैसा है ना इसका डिविजन होता है किसके बीच में बिटवीन कैल्शियम एंड सपोज लेट से आपके पास मेंटल पिक्चर रहने दो दैट इज दो ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन दो है दो ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है सही है ओके okay. अभी इसमें का एक ऑक्सीजन इसमें का O2 में का एक ऑक्सीजन CO2 के पास चला जाता है राइट मी राइट डाउन जस्ट वन एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो गया तो ये CO2 टू किसमें कन्वर्ट हो जाता है CO3 में CO3 में अब ये और ये दोनों लोग क्या बनाते हैं पानी बनाते हैं H2O। टू हो एच टू प्लस हो क्रिएट्स एच टू एंड सी ए प्लस कार्बोनेट क्या बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज सी ए सीओ थ्री वेरी सिंपल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और पानी बनता है okay. so, twice, OH आपका दो ओ और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन सीओ टू के पास चला जाता है कार्बोनेट ग्रुप और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे पानी बना देंगे हो गया आपसे इसमें एक प्रॉब्लम है ये जो इसका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो कलरलेस है इसको लाइन वाटर भी बोलते हैं आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका व्हाइट प्रेसिपटेट रहता है मतलब दिस इज नॉट एक्विय पानी में डिजोल्व नहीं होता ये सॉलिड फॉर्म में निकलता है तो बेसिकली इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसा प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट ओके ठीक है तो दैट हैज टू बी रिमेम्बर्ड कि उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है किसका कैल्शियम कार्बोनेट का यहां तक समझ में आया क्या बोलो दिस इज द फर्स्ट पार्ट प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट क्योंकि और एक पार्ट है उसमें टेस्टिंग There is one more part. ये एक सिंपल पहला पार्ट है There is one more part. फिर doubt section लेते। दोनों का कम्पलीट करके वी विल है यहाँ पर अभी सीओ थ्री में पानी बन गया है अब मान लो तुम्हारी ये जो रिएक्शन है ना ऊपर की ये और सीओ टू बना रही है आपकी जो ऊपर की रिएक्शन है ये और सीओ टू बना रही है मोर टू सीओ टू तो ये सीओ टू एक्सेस जो निकल रहा है तो वापिस इस इन प्रोडक्ट को लो वापिस इन प्रोडक्ट को लो आपका रिएक्शन में मान लो सीओ टू और बन रहा है CO2 और बन रहा है। ये 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 सभी सभी लोग लोग कंबाइन कंबाइन होते हैं।, ये लोग होते हैं। ये कहां से मिला पहले पहले टाइप में से। से और आपका ये CO2 कहां से आया? मतलब एक्स्ट्रा सीओ जनरेट हो गया अब वो CO2 इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है इट क्रिएट्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरा कंबाइन होकर क्या बनाते हैं ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है कैल्शियम कार्बोनेट कौन है व्हाइट प्रेसिपिटेट है और सी एच सीओ थ्री कैसा है कलरलेस है कलरलेस है मतलब देखो सबसे पहला कलरलेस था सबसे पहला कलरलेस था फिर आपने उसमें सीओ टू डाला व्हाइट हो गया व्हाइट को फिर से आपने कलरलेस बनाया विद द यूज ऑफ एक्सेस सीओ मतलब इन शॉर्ट इन शॉर्ट सी ए टेकन टू आप उसके अंदर सीओ डाल दो तो क्या बनता है व्हाइट कलर बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट उसके अंदर वापिस सीओ टू डालो एक्सेस सीओ टू तो क्या बनता है कलरलेस ओके okay. के वक्त कौन बना था कैल्शियम कार्बोनेट और कलरलेस के वक्त कौन बना था कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसकी रिएक्शन देख लो एक्सेस सीओ टू की एक्सेस सीओ टू की रिएक्शन उसी पेज पे है सीए सीओ थ्री एच टू ये तो आपने को पहले प्रोडक्ट से मिले दिस इज एक्सेस सीओ टू आपका सीए एच सीओ थ्री है उसमें विच इज सोल इन प्रेसिपिटेट नहीं है वो। हमारा uh, पूरा हो चुका है, सीओ टू गैस हमारी है हमारे कंपाउंड में वगैरह हमको पता चल गया है आगे की बात करते हैं अब आगे का हिस्सा कैसा है कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाला ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना

टाइप्स ऑफ स्टोन ऐसे पत्थरों में कौन रहता है कैल्शियम कार्बोनेट रहता है ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं वॉट इज द जनरल फॉर्मेट सो मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सोल्ट सीओ टू वॉटर जनरल फॉर्मेट देख लो सोल्ट वॉटर सीओ टू सोल्ट वॉटर सीओ टू सेम चीज हो रही है ओके सॉल्ट वाटर सीओ टू सॉल्ट वाटर सीओ टू वेरी सिंपल चलिए अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट आस्क यू कि दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखे हुए हैं सो बिकॉज ऑफ यू सर लेट मी अगेन एक्सप्लेन दिस ओके ये एक्टिविटी को मैं समझा देता हूँ तो ये आपका वहां पे थिस्टल फनल है ये वाला ठीक है uh, ये मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ पहले ये डायग्राम uh, और ये डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है दिस डायग्राम एंड दैट डायग्राम फर्क क्या है सिर्फ इसके अंदर आपको एसिड डालना पड़ रहा है ना एसिड सेपरेटली तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपकी गैस बहुत जल्दी बनती है इसके अंदर आपकी जो गैस है ना वो बहुत जल्दी बनती है तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं थिस्टल फनल थिस्टल फनल क्या रहता है थिस्टल फनल ऐसा एक ट्यूब रहता है ट्यूब स्ट्रक्चर मतलब आपके ग्लास का एक अपरेटस है ऐसा रहता है ऐसे शेप का रहता है तो इसका फायदा क्या है इसका फायदा यह है कि तुमको एसिड डालने के लिए मदद होती है मतलब तुम ऊपर से एसिड पोअर कर सकते हो यहाँ पर इतना सा छोटा सा मुंह बताया ना उन्होंने इतना छोटा मुंह नहीं रहता है अच्छा खासा बड़ा मुंह रहता है उसका तो यू कैन ऐड एसिड इन दिस क्योंकि एसिड थोड़ा सा अपने को कुछ हार्म हो सकता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा सा बड़ा मुंह से डालते हैं तो हमको हार्म नहीं करेगा और एसिड नीचे भी जाएगा तो अंदर सोडियम कार्बोनेट को पहले से डालना है ऊपर से एसिड को डालना है दूसरे ट्यूब से निकालो दूसरे ट्यूब जो दूसरी डिलीवरी ट्यूब है उससे निकालो और उसको किस में डाल रहे हो तो? तुम ऐसे टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर कौन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या टाइप है ये क्या प्रकार है ये वाला टेस्टिंग पार्ट है ये टेस्टिंग पार्ट है आपने वो इसमें से डाले ना लाइम वाटर में से हाँ तो वही है कैल्सियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मतलब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है लाइम वाटर। मतलब अगर ये मिल्की हुआ अगर ये मिल्की हुआ मतलब आपके इसमें गैस कौन सी बनी थी सीओ टू गैस बनी थी सिंपल ओके सो लेट मी आस्क यू दिस Uh, इसका क्वेश्चन व्हाट डू यू ऑब्जर्व तो क्या ऑब्जर्व होगा हमारा लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा लिख दो वहां पे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की लाइम वाटर अच्छा ला, ये पूरा ऊपर का क्वेश्चन है एक्चुअली लेकिन फिर भी उसका पूरे टोटल के लिए आंसर लिख दो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ठीक है चलिए अभी एक के बाद एक एक्टिविटी देखने वाले हैं तो इसके अंदर इंडिकेटर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है चलिए तो सेकंड पार्ट फ्रॉम अवर पर्टिकुलर लेसन टू बेसिस चलिए शुरू करते हैं uh, चलिए so पर बहुत सारे हैं है सपोलेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड एसिटिक एसिड सोडियम एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड ऑल बहुत सारे एसिड्स एंड बेसिस हैं राइट एक्टिविटी टू पॉइंट वन में अभी वो क्या बोल रहे हैं इसके अंदर आपको ये केमिकल लेना है और उसको चेक करना है विथ फोर इंडिकेटर्स मतलब मान लो ये एच है ये एक्टिविटी किसके बारे में है इंडिकेटर्स के बारे में एच को लो और चार इंडिकेटर के साथ टेस्ट करो रेड ब्लू फिनाफिलीन मिथाइल ऑरेंज राइट हरेक का हर एक का आपको बताना है चलो ठीक है हम लोग क्या करेंगे एक बेस में से उठाएंगे और एक एसिड में से उठाएंगे बाकी तुम खुद कर सकते हो राइट right? चलिए अभी यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है Uh, एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं जिसके अंदर ओ OH एच होता है जिसके अंदर ओ एच ग्रुप होता है लास्ट में जैसे कि के ओ एच हो गया एम जी ओ एच टी एस टेक हो गया जिसके अंदर भी ओ एच ग्रुप होता है ना दो कौन रहते हैं वो बेस होता है बेस और सपोज uh, इसको सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसको सिर्फ एक एक्सेप्शन है कौन uh, ये आस, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप का फैमिली है सीओ ओ एच उसके अंदर भी कैसा आता है ओ OH एच आता है लेकिन अगर किसी के अंदर सी ओ ओ एच आ रहा है किसी कंपाउंड के अंदर सी ओ ओ एच आ रहा है साथ में तो वो बेस नहीं एसिड होता है वो बेस नहीं क्या होता है एसिड होता है तो इट टू बी रिमेंबर्ड कि आपके पास अगर दो ओ आ रहे हैं ठीक है दो ओ आ रहा है तो वो से एसिड है इट्स नॉट अ बेस अब एग्जाम्पल यहां पर देख लो सी एस थ्री सीओ एच तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जस्ट बिकॉज ये ओ OH एच है तो ये बेस है ये बेस नहीं है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ओ OH एच के ग्रुप से नाम से नहीं जाना जाता है वो सीओ एच के नाम से जाना जाता है तो दिस इज बेस ये एसिड एसिड है ये हाँ, लेकिन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारा ऐसा हो तो के ओ एच इसमें डबल ओ का है सीओ एच नहीं है ना इसके अंदर तो दिस इज बेस दिस इज बेस चलो अभी एग्जाम्पल देखते हैं uh, किसी कोई तो भी उठाते हैं हम लोग लेटेस्ट टॉक अबाउट एन एच फोर ओ एच के बारे में पढ़ते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड लास्ट वाला जो okay, है ठीक है एन एच फोर ओ एच सबसे पहला क्वेश्चन एनएच फोर ओ एच बेस है कि एसिड है जल्दी से बता दो एसिड है कि बेस है उसमें ओ एच ग्रुप है एंड इट इज नॉट सी ओ एच इट्स इट्स बेस राइट अभी आ, बेस का नाटक क्या है बी फॉर बेस बी फॉर ब्लू ना ओके okay, ब्लू में कन्वर्ट करता है ओके okay, ठीक है सो so, रेड का ब्लू में कन्वर्ट होगा और ब्लू का ब्लू में ही रहेगा इट डजेंट मैटर हमको लिटमस को ब्लू ब्लू लिख देना है क्योंकि बी फॉर बेस बी फॉर ब्लू अच्छा माँ बाप में ये फिनॉफ्थिलीन केस में माँ बाप के अंदर फिनॉफिलीन के अंदर कौन मेजर चेंज देता है बेस देता है ओके okay, तो फिनॉफिलीन में कैसा कलर आएगा पिंक पिंक ओके बेस है ना तो पिंक ओके मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज किस में मेजर चेंज देता है एसिड में ओके okay. तो फिर ऑरेंज से ज्यादा से ज्यादा कलर किसमें चेंज होता है वो येलो ये ज्यादा से ज्यादा ओके okay. अब दूसरा देखते हैं ये हो गया पहला एग्जाम्पल दूसरा कोई तो भी एसिड एसिड उठाते हैं अभी एच एन ओ थ्री को ले लो एच एन ओ थ्री को ले लो एच एन ओ थ्री इज नाइट्रिक एसिड ये एसिड एसिड का नाटक क्या है लिटमस को किसमें कन्वर्ट करता है वो ब्लू के अपोजिट कौन है बी फॉर बेस बी फॉर ब्लू एसिड का क्या okay, red आएगा रेड ओके, दोनों रेड ना ओके तो इसमें कलर चेंज नहीं देगा कलरलेस कलरलेस मिथाइल ऑरेंज में मेजर चेंज कौन देता है एसिड ओके ठीक है ये एसिड है अपना ओके ठीक है तो ये किस में कन्वर्ट होगा रेड में हो गया इतना आसान है मतलब तुमने जो याद किया हुआ है उसको इस तरह से यूज करना यू जस्ट हैव टू यूज इन दिस वे दैट्स इट ठीक है चलिए एक काम करते हैं लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ये वाला सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिटिक ये बाकी के तुम लिख पाओगे फिर सभी एग्जाम्पल्स मैंने दो करके दिए हैं लेकिन मैंने तुमसे टेबल याद करा के लिया हुआ है बिकॉज ऑफ दैट इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी फॉर यू तो प्लीज एक बार हैंड रेस कर दे दैट यू विल बी एबल टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ दी केमिकल्स हियर ये पूरे ठीक है चलिए अच्छी बात है आगे बढ़ता अच्छा कुछ डाउट है एक मिनट रिपीट दैट पार्ट सर हाँ बोलो सर जो कलर है चलिए कलर्स की बात करते हैं तो देखो पहले बेस का बता दू मैं तुमको बेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है लास्ट में ओ OH एच अगर है तो सपोज राइट हैंड साइड में अगर ओ OH एच है तो दैट्स योर बेस जैसे कि के ओ एच हो गया एन ओ एच हो गया हाँ एम जी ओ एच ट्वाइस हो गया लास्ट में तुम देख सकते हो उसके अंदर क्या है ओ एच ग्रुप जिसमें ओ एच ग्रुप मिल गया वो तुम क्या बोलोगे बेस ठीक है लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है एक एसिड का एक फैमिली है जिसके अंदर ओ होता है सी एस थ्री ये एच जैसे बोलते हैं इसको प्रॉब्लम क्या है ओ एच की बज़... बोलने की वजह से बच्चे क्या सोचने लग जाते हैं कि ये भी एक क्या है बेस है ओ की वजह से लेकिन वैसा नहीं है ये एसिड सी ओ एच के नाम से जाना जाता है ओके okay. तो आपको अगर ऐसा कुछ भी दिखा जिसके अंदर सी ओ ओ एच है अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिखा जिसके अंदर ओ OH नहीं सी है तो वो बेस नहीं एसिड है ये एक्सेप्शन ध्यान में रखें ये एक्सेप्शन ध्यान में रखें फॉर योर सेकंड लेस सी ओ एच दिखा इट इज नॉट अट से लेट से बेस इट्स एसिड एसिड है वो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ठीक है ओ OH बोले तो बेस एक्सेप्शन क्या है सी ओ ग्रुप का सी ओ ग्रुप का एक्सेप्शन है वो एसिड है अब बात करते हैं कलर चेंज की तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है ऑरेंज ओरिजिनल कलर इज ऑरेंज नाम ही है उसका ऑरेंज तो ऑरेंज कलर है उसका ओरिजिनल अभी दो केमिकल्स है अपने पास एक एसिड है एक बेस है मेजर कलर चेंज किस में देता है ये तो आपके पास दो कलर्स आते हैं इसके एक रेड है एक येलो है अब हमने क्या ट्रिक ध्यान में रखी हुई है माँ बाप राइट ओके

बेस के अंदर मेजर कलर चेंज होता है तो बेस के अंदर उसका कलर चेंज हो जाता है पिंक में किसमें कन्वर्ट हो जाता है पिंक एंड एसिड में एसिड में कलरलेस कोई कलर चेंज नहीं तो याद रखने के लिए हमने सिर्फ कौन सा ध्यान में रखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज का एसिड का ध्यान में रखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज का कौन सा ध्यान में रखा हुआ है एसिड का और फिनोफ्थलीन का बेस का तो ऐसा ये एम ए या एम ए दैट इज मा और ये लेट्स से बेस का बाप That is Ma, आपको क्लियर एटलीस्ट अभी समझ में आ रहेगा सभी स्टूडेंट्स को प्लीज रेज द हैंड याद हो गया क्या रट्टा मार लिए क्या है उसमें लेट मी आस्क टॉक अबाउट द तो आगे के जो इंडिकेटर्स है वो काफी कमाल के हैं आ, ये जो अभी तक हमने इंडिकेटर देखे ना कौन कौन आ, हमने लिटमस देखा हमने आ, ये देखा सपोलेट से फिन देखा फिर हमने मिथाइल ऑरेंज देखा ये सभी लोग कैसे हैं ये अपना कलर चेंज करते हैं एसिड बेस में क्या चेंज करते हैं अपना कलर चेंज करते हैं एसिड बेस में मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दीज आर कलर इंडिकेटर्स इन शॉर्ट दीज आर कलर इंडिकेटर्स कलर चेंज करते खुद का एसिड बेस में राइट right? अब जैसे कि मान लो अब अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आंखें नहीं है अ पर्सन हु इज ब्लाइंड सपोज कोई ब्लाइंड है सपोज लेट से या फिर आंखों की रोशनी कमजोर है दिखता नहीं है ठीक से अब ये तुम इंडिकेटर जो बोल रहे हो कलर बेस्ड है अब किसी पर्सन को दिख ही नहीं रहा आंखों से देख नहीं सकता है तो कलर को कैसे देखेगा कलर ये इंडिकेटर वो यूज ही नहीं कर सकता है ना पर्सन हु इस सपोलेटर से फिजिकली चैलेंज आंखें इस अपोलेट से नहीं काम कर रही हैं तो ऑब्वियसली ही वॉन्ट बी एबल टू यूज दिस इंडिकेटर्स तो केमिस्ट्री के अंदर इसके लिए एक, एक सिंपल सा आंसर है हम लोग दूसरे वाले इंडिकेटर्स यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऑल फैक्ट्री इनका क्या कमाल है ये कलर चेंज नहीं करते है. जब ये एसिड बेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं ना एसिड बेस के कॉन्टेक्ट में जब आते हैं तब अपना ऑर्डर चेंज करते हैं ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज करते हैं okay, खुद का स्मेल चेंज करते हैं अब तुम देखो जिसको आंखें नहीं है तो वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि इसमें आंखों का इस्तेमाल कहां हो रहा है इसमें तो नोज का इस्तेमाल हो रहा है ना ओके सो दीज इंडिकेटर्स अंडरलाइन कर लो ये कैसे इंडिकेटर है दीज आर द इंडिकेटर्स हुज इंडिकेटर चेंजेस इन एसिड और बेस एंड दे आर कॉल्ड एज ऑल इंडिकेटर

फर्स्ट वन उसके बाद क्लफ मतलब, तो मतलब, मतलब कौन सा वही ये वैनिला मतलब आइसक्रीम नहीं है इट्स अ फ्लेवर वैनिला आइसक्रीम नहीं होती है वैनिला फ्लेवर होता है ठीक है आइसक्रीम का फ्लेवर है वो मतलब उसके अंदर वैनिला डाला जाता है मतलब ये आपको वैनिला एक एक्सट्रैक्ट है प्लांट का तो ठीक है दिस इज नॉट आइसक्रीम दिस इज अ फ्लेवर ठीक है मतलब इसका एक स्मेल वगैरह टिपिकल रहता है सो अनियन क्लव एंडिलाक्ट्री अब बात करते हैं एक्टिविटी नंबर टू पॉइंट टू की ये कैसे करने का है क्या एक्टिविटी है तो ये एक्टिविटी उतनी जोरदार नहीं है जितना हमने बाकी देखे है ना उतनी जोरदार एक्टिविटी नहीं है ये बहुत ही सिंपल है एंड uh, सच बोलो तो ऐसा बहुत यूज नहीं है इसका इन्होंने इसमें क्या करना है आपको अनियन को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना है अनियन मतलब कांदा कांदे को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करो फिर क्या करो फिर आपको क्या करना है एक प्लास्टिक बैग लेनी है एक प्लास्टिक बैग लेनी है ऐसी सपोज और उसके अंदर क्या करना है एक ऐसा कपड़े का लेयर डालना है ऐसा नीचे कपड़े का एक लेयर डालो ठीक है फिर उसके ऊपर आपके जो अनियन के पीसेस है वो डाल दो अनियन के पीसेस ऐसे डाल दो ये पैकेट आपका प्लास्टिक का बैग उसके अंदर क्या डालना है कपड़ा कपड़े के ऊपर क्या कांदे और कांदे के पीसेस मतलब कांदा मतलब पूरा कांदा नहीं डालना है यू हैव टू कट इट फाइनली चॉप क्या लिखा हुआ है फाइनली चॉप एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके डालना है फिर उसके बाद इसके ऊपर वापस एक कपड़े का लेयर ये समझ के ले लो दो लेयर मतलब नीचे कपड़े का लेयर बीच में कांदा ऊपर फिर से एक लेयर बर्गर की जैसा ठीक है बर्गर के जैसा दो कपड़े ऊपर लगाने ऊपर नीचे एंड फिर नीचे अंदर क्या लगाना है आपको आपके अनियन डालना है इसको कहाँ रखना है इसको आपको रखना है फ्रिज में किधर फ्रिज में आपको फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट 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 का मतलब रात भर रख देना है इसको रात भर रख दो इससे क्या होगा आपके जो कपड़े हैं ना ये ये जो कपड़े हैं तो ये क्लॉथ इसके अंदर किसका स्मेल आ जाएगा अनियंस का अनियन का स्मेल आएगा इसमें राइट अब ये जो कपड़ों का पीस है ना दिस एक्ट एज इंडिकेटर ये कपड़ों का पीस इंडिकेटर बोल के काम करता है क्या करने का का लेने का का लेने का एसिड एसिड ड्रॉप ड्रॉप लेने लेने और आपका जो कपड़ा है कपड़े के ऊपर डाल देने का का बेस का एसिड बेस ड्रॉप इसके ऊपर डाल दो और फिर अगर उसने स्मेल चेंज किया तो वो बताएगा एसिड है कि बेस है ठीक है तो अनियंस आप यूज कर सकते हो फॉर इंडिकेटर इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली कांदे को इस्तेमाल करोगे आपको क्या करना है उससे पहले कपड़े बनाने हैं फिर कपड़ों से ऊपर आप एसिड बेस को डालोगे फिर उसको टेस्ट करोगे ये मेथड है ठीक है सो लेट मी जस्ट पॉज दस अच्छा ठीक है तो मैंने क्या बोला दीज आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स राइट मतलब स्मेल चेंज करते हैं एसिड बेस में अब बच्चों के दिमाग में क्या रहता है बच्चे तो बच्चे हैं दसवीं के अब uh, मतलब वो क्या बड़े नहीं रहते जस्ट बिकॉज दे आर इन ये नहीं कि बहुत ही बड़े हो गए तो प्रॉब्लम ऐसा है उनके दिमाग बहुत क्रिएटिव रहता है उनको क्या लगता है कि स्मेल चेंज होना या फिर ओर्डर अगर चेंज हो रहा है तो वो किसमें चेंज होता कि मतलब उनको क्या लगता कि अनियन के अंदर अगर डाल दिए एसिड बेस वो कपड़ों के ऊपर तो कौन से चीज में वो स्मेल चेंज होता कि जैसे कि मान लो लाइक like, पॉन्ट्स uh, की जैसा स्मेल आता कि कोई फ्रेग्रेंस आता है इत्र के जैसा स्मेल आता है लेकिन एग्जैक्टली लाइक वट कैन ऑफ स्मेल लाइक रोजी स्मेल आता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है सिर्फ स्मेल गायब होता है ठीक है ये चीज ध्यान में रखना है ऑर्डर चेंज बोले तो क्या उसका सिर्फ अनियन का जो स्मेल है कांदे का वो गायब होता है बस इट बिकम सिर्फ से गायब हो जाता है इतना ही लॉजिक है ठीक है हाँ मतलब उसमें ऐसा कोई कलर ऑर्डर चेंज बोले तो किसमें का किस में नहीं होता है जस्ट गायब हो जाता है तो आपको काइंडली प्लीज कम टू दिस एक्टिविटी टू पॉइंट टू टू पॉइंट टू को प्लीज आ जाओ एंड इसमें का एक पार्ट है हिस्सा है कि जो आपको अंडरलाइन करना है इसको अंडरलाइन करो प्लीज ये वाला वैनिला इसेंस, वैनिला एंड क्लोव ऑयल क्लोव एग्जाम में कभी कभार ना वो क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि आ, मतलब जो क्लोव होती है मतलब लवंग होती है तो लवंग को डायरेक्टली यूज करेंगे कि उसका ऑयल यूज करेंगे तो कभी कभार आपको फॉर्मेट पूछा जाता है मतलब किस प्रकार का इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे लाइक like, क्लो को यूज करेंगे कि क्लो ऑयल को यूज करेंगे या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि uh, क्लो इज ऑल इंडिकेटर हैज बी इन से फॉर एसिड इंडिकेटर तो आपको बताना पड़ता है कि वो क्लो ऑयल में यूज करना पड़ता है और वैनिला का क्या यूज करना पड़ता है एसेंस यूज करना पड़ता है एंड अनियंस का अनियंस का क्लॉथ स्ट्रिप्स ठीक है क्लॉथ स्ट्रिप्स uh, आपको ध्यान में रखना है रिगार्डिंग अनियंस तो इतना प्लीज आप अंडरलाइन कर लो एग्जाम क्वेश्चन कि जो बच्चे मिस कर जाते okay. so, और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं मी जस्ट टेल यू देखो आ, हमारे पास आ, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास नाइन के लिए है तो क्लास नाइन के सब्सक्रिप्शन ये रहे ठीक है अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है देखो दिस इज फॉर प्लस ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है ये प्लस का है ये साइड और ये आइकॉनिक का है मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास का प्लस के रेट्स क्लास, के के क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास के आइकॉनिक के रेट ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है इट समथिंग लाइक दिस अब जितना बड़ा लोगे वैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तेरह महीने का कितना आ रहा है सपोज से छह महीने का आपको दस हजार पड़ रहा है राइट बारह महीने का देख लो कितना आ रहा है अगर आप छह महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता है दस दस, तो बारह महीने का बीस हजार हो जाता लेकिन हजार तो, तो देखो आप जितना बड़ा उतना जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब सेलेवें चारों साल का एक साथ ले लो बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा दैट इज फोर्टी एट मंथ्स तो फोर्टी एट मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू फोर्टी ठीक है चालीस आपको पड़ जाएगा Uh, if you apply for 48 uh, वैसे ही आइकॉनिक अगर आप फोर्टी एट का लेना चाहते हो तो फोर्टी एट के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है एटी थ्री थाउजेंड अब एटी थ्री थाउजेंड इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपेरिजन में क्योंकि इसके फीचर्स वैसे है ना आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है इंडिविजुअल सपोर्ट है थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट है सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कपैसिटी इधर यू कैन गो फॉर फोर्टी एट मंथ फोर्टी थाउजेंड या फिर फोर्टी एट मंथ एटी थ्री थाउजेंड आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर फोर्टी एट मंथ प्लस और इधर फोर्टीट मंथ आइकॉनिक तो फोर्टी थाउजेंड या फिर एटी थ्री थाउजेंड अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं आप छत्तीस महीने का ले सकते हैं छत्तीस मतलब तीन साल हो जाते हैं दैट इज महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज थर्टी टू थाउजेंड कितना है

क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे मैं अगेन बोल रहा हूँ उतना आपको सस्ता गिरेगा एंड ऊपर से ये क्या करना पड़ता है ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है अब कौन सा कोड तो आप कोड का आप ये कोड ध्यान में रखना दैट इज एस लाइफ टेन अजिंक्य सोड़ों के एल आई वी वन जीरो अब ये कोड पे लिखना है आपको देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए आइकॉनिक चाहिए राइट मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया ठीक है आइकॉनिक ले लिया और फोर्टी एट मंथ्स का आप ले रहे हो तो 48 को आपको क्या करना है आइकॉनिक लेना है? नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा ठीक है मतलब डू हैव अ कोड वगैरह पूछा आपको इसको टैप करना है सबसे पहले आइकॉनिक को कर लिया दैट इज फर्स्ट स्टेप आप लिख दी है, करते है ना, आपकी जो अमाउंट जो है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर वो टेन परसेंट कम होकर आपको दिखाई जाएगी ठीक है तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है तो यहाँ पर कोड लिख देना है ए एस लाइफ टेन अजिंक्य सोन के एल आई वी वन जीरो ए एस एल आई वीई वन जीरो और उसमें स्पेस नहीं देना है ठीक है इट शुड बी कंटिन्यूस ए एस एल आई वीई वन जीरो कंटिन्यूएशन में लिखना है आप ये कोड पे टैप कर दो ये कोड लिख दो आप उसको डन कर दो तो इमीडिएटली आपका टेन परसेंट कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी फिर आप प्लान को ले लो फोर्टी एट मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स है मतलब लाइक like पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट uh, में कर सकते हो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे तो uh, आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं ठीक है सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देर अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं दैट्स अप टू यू आपको कैसे पे करना है बट uh, बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले राइट सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एंड कोड को नहीं भूलना uh, कि आपको कोड कौन सा यूज करना है ए एस लाइफ टेन फॉर टेन परसेंट डिस्काउंट टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज एस लाइफ टेन अजिंकी सोड़ों के ए एस एल आई वी वीई वन जीरो डिस्काउंट जरूर ले लें सस्ता बना दे अपने प्लान को ऑल योर टू डूज यूज दिस कोड ठीक है तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके राइट सो so, वीडियो को लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है बेल आइकन जरूर दबाना है उतना तो काम कर ही देना ठीक है चलिए देन ओके तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड दिस इज अवर बेसिक प्लान और मतलब क्या है तुम ऐसा समझ सकते हो प्लस का एडवांस्ड प्लस का एडवांस so, क्या है आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो ये आपके ऊपर है वेदर यू to टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं दैट इज स्टार तो आपके ऊपर है राइट दिस इज वन ऑफ अर बेसिक प्लांट एंड इसको आइकोनिक हम लोग क्या बोलते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट तो दिस इज थ्री डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से एक मिनट भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी प्लस so, में क्या क्या फीचर मिलेंगे देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ मैथ्स के लिए ये ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज सपोज लेटर स्विच द द्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना कोई जरूरत नहीं है हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे सेकंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे तो जिसकी वजह से आप आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है आपको नहीं आ रही है तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट uh, कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूअर लेट से जो भी प्रॉब्लम है कोई टॉपिक्स है समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरलीट से uh, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर whether it is about uh, let's say explanation part आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा with uh, let us say uh, the teachers of the plus subscription अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्वजेस देखो कैसा है ना पढ़ाने का तरीका अलग होता है देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर आई एम सेइंग एजुकेटर्स क्यों इसका फायदा क्या है देखो कैसा होता है जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है राइट साइंस के लिए एक टीचर मैथ्स के लिए एक टीचर तो इसमें वैसा नहीं है इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आदा तो आप क्या कर सकते हैं आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देर क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथडोजी अच्छा, मतलब यू like, नो you know, अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके राइट नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का कि वो डेट try their best to teach like in their own way. लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो मतलब एक मेथड क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक अदर टीचर की हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का इट माइट हैपन तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स है मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स है अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग देख सकते हैं आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं सो देर इज नो प्रॉब्लम राइट चलिए सो बेस्ट टीचर्स आपको बढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विलस्ट एंड क्विजेस अब ये क्या है देखो Uh, अब पढ़ाई जब हो जाती है मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसके टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है सो दैट्स अ प्रॉब्लम सो वी हैव लाइव टेस्ट लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है हमारे पास क्विजेस भी हैं मतलब लाइक एक कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ

कॉमबैट एग्जाम के बारे में बता दूं ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है कॉम्बैट एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ये ट्वेंटी सेवंथ जून को होगी और सुबह ग्यारह बजे इंग्लिश हिंदी दोनों में एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यूल टू विन

Thank you so much.